बीच में दिख रहा है आप लोगों को, इतनी बड़ी मॉल है, एंडलेस है, एंडलेस है, ऐसा सोच लो। से हाय, यू स्पीक इंग्लिश? हाय, नहीं, यूट्यूब? हाँ, रियली? ओके। यहाँ पे ना मैक्सिमम लोग आके यहाँ पे आके फोटो वगैरह खिंचवाते हैं। यहाँ पे कुछ हो रहा है क्या? तो लाइटिंग वगैरह लगा हुआ है। या फॉर यूट्यूब। I just started vlogging. It's Ranjan Nayak Vlogs. Make you go viral. Make you go viral. Where you guys are from? America. Ah, okay. फिलहाल यहाँ पे पहुँच गया दुबई मॉल, मेन एंट्री, ठीक है? अभी असली ये है असली दुबई मॉल, क्योंकि एंट्री हो रहा है अभी मेरा। टर्किश आइसक्रीम जो है ना, वहाँ का शॉप था। दुबई मॉल जो है ना, वर्ल्ड के सबसे, जैसे आपको बताया मैंने, शायद से दोबारा रिपीट कर रहा हूँ ये लाइन, कि वर्ल्ड के दूसरा सबसे बड़ा मॉल है। यहाँ पे सारे जितने सारे डीओ परफ्यूम वगैरह मिलता है ना, चीपेस्ट प्राइस में मिलता है, क्योंकि यहाँ से सारे एक्सपोर्ट होके बाहर जाता है, तो यहाँ पे काफ़ी सस्ती रीजनेबल प्राइस में आपको मिल जाएगा। और जितने सारे सेल्समैन है ना, वो सारे के सारे इजिप्शियन या फिर मोरक्कन मिलेगा आपको। जैसे कि अब इंडिया में होता है ना, भैया ये ले लो, वो ले लो, ये ले लो, वैसे यहाँ पे भी हरकतें करते हैं लोग। मैंने फर्स्ट टाइम आया था ना, मैं बोला यहाँ पे भी ऐसे होता है क्या यार, तो देखा कि ये लोग अरबी तो है पर यहाँ का लोकल नहीं होते, बाहर से आए होते हैं लोग भी सेल करना यार, धंधा तो सेम तरीके से किया जाता है सब जगह पे। ये देखिए अभी अभी वो लेट जो मैडम जो है वो दे रही थी, हमने देखा होगा शायद से। मैंने थोड़ा सा कैमरा वहाँ पर टर्न किया था, ठीक है? वो लोग सेंट परफ्यूम थोड़ा सा लगा देता है और फिर बातें करते रहते और फिर बोलते हैं, मतलब चिपका देते हैं, ये ले लो, ये लो, वो ले लो। तो गाइस, दुबई मॉल का ये थोड़ा सा एंट्री यहाँ पे था। अभी फ़िलहाल मेन जगह पे एंट्री कर रहा हूँ दुबई मॉल का। ये हो गया अपना कौन सा, वावे, वावे है ना। फर्स्ट टाइम मैंने करेक्ट प्रोनाउंसिएशन किया, मैंने सुना था कि इसको तो बैन लग चुका है बहुत सारे कंट्रीज़ में, पर यहाँ पे हुआवे का ये शोरूम रहा। मैंने आप लोगों ने शायद से जो सारे ब्रांड्स हैं ना, प्रीमियम ब्रांड्स, उसके सारे आप लोगों ने चीज़ें यूज़ किए होंगे, पर शोरूम बहुत ही कम जन देखे होंगे, क्योंकि छोटे छोटे जो स्टॉल्स में, छोटे छोटे जो शॉप्स हैं ना, वहाँ पे भी आपको इसके ब्रांड सारे चीज़ें मिल जाता होगा। पर यहाँ पे ना वही पर्टिकुलर ब्रांड का ना सारे स्टोर्स है, जैसे कि यहाँ पे जीशॉक है, कैसियो का जीशॉक है ना वो। फिर आप लोग को अभी भी क्या दिखाया, हुआवे, हुआवे। मेरे दोस्त प्रीतम ने ये बताया था कि ये ब्रांड को ना ऐसे प्रोनाउंस किया जाता है, क्योंकि मेरे को पहले पता नहीं था, ठीक है? यहाँ पे सारे बाहर के कंट्रीज़ के लोग आए हुए हैं, मोस्टली सारे मतलब नेशनलिटीज़ के लोग यहाँ पे मिलेंगे आपको। आपको देख के ना पता नहीं चलेगा कौन से नेशनलिटीज़ के हैं, जैसे कि इंडियन, पाकिस्तान, फिर बांग्लादेश, इन लोगों में जब तक बातें नहीं करें तब तक लोगों को मालूम नहीं पड़ता है, बातें करने से आप लोगों को झट से मालूम पड़ जाता है ना, वैसे ही है। ये है सोनी का ब्राविया, हाँ सोनी यहाँ पे है, छोटा सा रेस्टोरेंट है। यहाँ पे रेस्टोरेंट्स यहाँ पे भर के हैं, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं। लास्ट टाइम में लोगों ने देखे होंगे, मेरे दोस्त को लेके आया था मैंने इंटरव्यू देने के लिए, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं। बाकी फिलहाल अभी नीचे जाऊँगा, सांस फूल रही है पता नहीं क्यों, तबीयत ख़राब है ना, इसके लिए दवा भी लिया ना इसके लिए शायद से। यह शरब डी जी यहाँ का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर्स है, जहाँ पे ऑलमोस्ट सारे ब्रांड्स का कुछ चीज़ें मिल जाएगा। पता नहीं आप लोग को आवाज़ कैसे आ रहा होगी, यहाँ पे थोड़ा सा शोर शराब है, तो कोशिश कर रहा हूँ फिर भी लाउड बात करने की। दुबई मॉल का थोड़ा सा नज़ारा दिखाया था आप लोगों को। ऊपर तो खा लिए। मैंने एक चीज़ नोटिस की है, जितने सारे बड़े बड़े मॉल्स हैं ना, हाईएस्ट थर्ड या फोर्थ फ्लोर होता है, ये क्यों होता है यार? इतना बड़े जगह कवर करने से अच्छा लंबाई में बना दो ना, बहुत ऊँचा फ्लोर बना दो ना, पर नहीं होता यार। जितने सारे मॉल्स होते सारे लंबाई, सॉरी ऊँचा कर दो ना यार, ऊँचा करने से तो आपका जगह ही बच जाएगा ना, पर नहीं। ये है गो स्पोर्ट्स का, यहाँ पे भी सारे अच्छे क्वालिटी के सारे चीज़ें मिल जाती है सस्ते में। मैंने यहाँ से सॉक्स लिया था लास्ट टाइम शायद से, पर बहुत चीप प्राइस में, इतना ही महंगा नहीं है यहाँ पे, सच बता रहा हूँ। ये एतिसलात, दुबई में ना बस दो ही ब्रांड का सिम चलता है, एक एतिसलात, दूसरा है डू, अरे एतिसलात, ये दो ही ब्रांड का चलता है और कोई भी नहीं चलता है, बाहर से कोई भी कंपनी नहीं है, सब लोकल ही चलता है। कैनन, सैमसंग का वहाँ पे है,
ऐसा कोई भी ब्रांड नहीं है जो आपको नहीं दिखने मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। ये पीछे वाला बच्चा बोलते है, देखो ब्लॉगर है, शूट कर रहा है, हाई कर रहा था, मैंने आपको दिखा नहीं पाया वो। यहाँ पे जो लोकल अरबी लोग होते हैं ना, वो भी बहुत अच्छे होते हैं यार। देखो लड़की खड़ी हो गई यहाँ पे कैमरे में आने के लिए बस। ये कौन सा है, मैक्स, मैक्स शोरूम है। अच्छा यहाँ पे सारे मिलते हैं, वीवो, ओप्पो, एलजी, लेनोवो, सैमसंग, सारे ब्रांड्स दिख रहे हैं। ये भी सरफ डिजी टाइप का कुछ है, इलेक्ट्रॉनिक सारे स्टोर मिलता है यहाँ पे छोटे छोटे। अच्छा स्टोर मिलता है, बोलता है इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें मिलती है इस स्टोर में। मैं भी कुछ ही बोलता जा रहा हूँ यार। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. बातें करते करते ना कहाँ कहाँ घूम रहा हूँ मुझे मालूम नहीं पड़ रहा यार। मैं वहाँ से है ना बेबी, देखो वहाँ से टर्न मार के फिर यहाँ से आना पड़ता है। बीच में दिख रहा है आप लोगों को, इतनी बड़ी मॉल है, एंडलेस है, एंडलेस है, ऐसा सोच लो। इतना टाइम लगता है ना जाने के लिए, एक साइड से दूसरे साइड पे जाने के लिए। यहाँ पे ना पहले लास्ट टाइम आया था, सब लोगों ने ना मास्क हटा के रखा था, इस टाइम सब लोगों ने मास्क पहन रखा है, इसको बोलते हैं खौफ। से हाय, स्पीक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश समटाइम्स, इन द यूट्यूब, रियली, ओके, व्हाट आर यू फ्रॉम? Imarat. Imarat, local? Imarati, okay. You guys are local. Okay. Everyone say hi. Hi. Oh, nice. Hi. So nice, so nice. Bye bye, take care guys. Thank you so much. ये लोग लोकल है यार, बहुत अच्छे हैं लोग। मैंने मुझे लगा कोई बाहर के कोई कंट्री से होगा, क्योंकि देखिए ऐसे जो अरबी लोग होते हैं ना, ऐसे वो लोग अच्छे होते हैं सच्ची में। इन लोगों को दूसरे के मसले में पढ़ना नहीं है कुछ भी, ठीक है। तो उनमें से ये बच्चे लोगों कितने अच्छे हैं यार। थोड़ी देर पहले मैं बोल रहा था ना, वो बच्चा हाय बोल रहा है, ये वही है बंदा जो मेरे पीछे पीछे मेरे को फॉलो करते करते यहाँ तक आ गया। वहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को दिखा नहीं यार, मैं दिखा देता हूँ, वहाँ पर वाटरफॉल है, वो दिख रहा है वहाँ पर वाटरफॉल है, एक मिनट। ये देखो यहाँ पे ना मैक्सिमम लोग आके यहाँ पे आके फ़ोटो वगैरह खिंचवाते हैं, इतना अच्छा व्यू होता है ना वहाँ से, सब लोग फ़ोटो खिंचा रहे हैं। देखिए लास्ट टाइम तो मैंने एक दोस्त से ही मिला था वहाँ पे, कभी भी आके अगर फ़ोटो वगैरह खिंचवाना हो तो यहाँ पे आके फ़ोटो खिंचा सकते हैं आप लोग। फिलहाल मैं जाऊँगा बुर्ज खलीफा की तरफ, क्योंकि मुझे मेट्रो पकड़ के रिटर्न जाना है। मेट्रो अगर नहीं पकड़ा ना, अगर मेट्रो पकड़ा तो फ्री है मेरा, क्योंकि मेरा मंथली पास निकला हुआ है। अगर बाई चांस मेट्रो नहीं पकड़ा फिर मुझे टैक्सी जाना पड़ेगा, और टैक्सी से करीबन 25 दिरहम लग जाएगा, जो कि 500 रुपये के आसपास। यार कहाँ 500 रुपये, कहाँ ज़ीरो प्राइस। तो मुझे फ्री में जाना ज़्यादा पसंद करूँगा ना, क्यों लेट करूँगा फिर। यहाँ का माहौल देख लीजिए, थोड़ा बिल्कुल भरा हुआ है, ये तो वीकडेज में है इतना भरा हुआ है, वीकेंड में तो और ज़्यादा है। फिर यहाँ पर कुछ हो रहा है क्या, लाइटिंग वगैरह लगा हुआ है यहाँ पर। अच्छा स्केटिंग, हाँ बच्चे लोग स्केटिंग कर रहे हैं यार, दिख रहे हैं लोगों वहाँ पे ना। देखिए बैठने का जगह भी है वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे ना बैठने का जगह बना हुआ है, बहुत सारे ऐसे ऑडियंस भी बैठा हुआ है, पर खाली खाली सा है, ज़्यादा भी नहीं है। पता नहीं वो एंट्री फीस फ्री रहेगा या फिर पैसा वाला, पर थोड़ी देर के लिए ना यहाँ पे वैसे खड़ा हूँ, थोड़ा चिल मार रहा हूँ, बहुत हो गया शूटिंग वगैरह, थोड़ा एन्जॉयमेंट, माइंड को रिफ्रेशमेंट भी चाहिए ना, क्योंकि रियली मैं थोड़ा एन्जॉय कर सकूँ, उसके बाद आप लोगों में एक्सप्लेन करूँगा ना। अगर दिल से मैं खुद खुश नहीं हूँ फिर आप लोग कैसे एक्सप्लेन करूँगा ना। एक लड़का ना अभी भी करते करते गिर गया। मुझे ना बहुत याद आ रहा है उस दिन का, जिस दिन हम लोगों ने ग्लोबल विलेज गए थे ना, ग्लोबल विलेज में ना हम लोगों ने स्केटिंग तो नहीं किए थे, पर वो डिस्को का जो कार होता है ना हम लोगों ने चलाए थे वो, सॉरी गला बैठ गया, डिस्को कार जो है ना वो हम लोगों ने चलाए थे, उसका याद आ रहा था। मैं, निशा, अनीता, अभिषेक भाई, फिर हरीश भाई, सब लोग गए थे, बहुत दिन गए थे हम लोग। और मैं एक चीज़ सोच रहा था अभी अभी कि वो बच्चा मुझे अच्छा लगता है यार, कोई ऐसा अगर सामने वीडियो बनाते टाइम कोई अगर आगे से आके हाय वगैरह बोले ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है।
मैं तो इतना बड़ा यूट्यूबर हूँ नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत अगर प्यार मिलता है ना बहुत अच्छा लगता है। मैं इसलिए बोल रहा था क्योंकि देखो कैमरा किस कैमरा एक ऐसी चीज़ है ना सबको प्यार रहता है। वो लोग यहाँ के जो लोकल लोग रहते हैं इतने अमीर रहते हैं, इतने पैसे रहते हैं उन लोगों के पास, फिर भी मेरा छोटा सा कैमरा देख के वो लोग आ गए यहाँ पे हाय बोलने के लिए, तो ये अच्छा लगता है यार, बहुत अच्छा लगता है। मैं शायद से रोड भूल गया हूँ यहाँ पे आके, यहाँ से कैसे जाना है वो सोच रहा हूँ मैं, कौन से रोड पे जाना सोच रहा हूँ। ये नीचे है पर बुर्ज खलीफा की तरफ किस तरफ जाना है वो सोच रहा हूँ मैं। Yeah, for YouTube. Oh, what's your name? I just started vlogging. It's Ranjan Nayak Vlogs. Let's subscribe. Okay. Can we be in it? Can we be in it? No, I just started. Like, I have. We'll make you go viral. Thank you so much. Thank you. Ah, yeah. Ranjan Nayak. Here, it's okay. It's another one. Do you want to? Oh, thanks, man. So I have my socks here. Exactly. Where you guys are from? America. Ah, okay. California? Yeah. New Jersey. My dream place. I'm from California. Because I'll tell you what. I'm from New Jersey. I'm going to be featured. Yeah, we better be featured. Thank you. Bye. Bye-bye. You guys are lovely, honestly. Thank you. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Take care. Oh, super people, man. California, American people. So guys, मैंने सोचा था कि यहाँ पे आगे थोड़ा वीडियो बना ही लेता हूँ। तो अच्छा लग रहा है ना पीछे, फोटो तो नहीं ले सकता हूँ पर वीडियो ले लेता हूँ, क्योंकि फोटो निकलने के लिए यहाँ पे कोई चाहिए मेरे साथ, है ना, क्योंकि मेरे साथ यहाँ पे कोई है नहीं, अकेला आया हूँ, तो मतलब वीडियो ले लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पे आ गया हूँ मैं अभी दुबई वर्ल्ड का जो एक्वेरियम है ना, जो कि बहुत नाम है इसका ऑनेस्टली, क्योंकि यहाँ पे सारे टाइप के बड़े बड़े शार्क मछली वगैरह है, यहाँ पे स्पेशली शार्क्स के लिए फेमस है। मेरा ना गला जल रहा है यार, इतना बात कर रहा हूँ ना इसके लिए शायद से। फिर यहाँ पे देख लीजिए, आ गए यहाँ पे दुबई मॉल का सबसे बड़ा धमाका। मस्त दिख रहा है ना, मैं सारे उस तरफ जाके दिखाता हूँ लोगों, इससे पहले ये देख लीजिए बिना किसी को पूछ के किसी का रिकॉर्ड नहीं करता यार, ऐसे भी एक बार टोक दिया सिक्योरिटी वाले ने, कुछ होने से पहले अगर कोई पकड़ लिया तो फिर पता नहीं, शायद से ऐसा परमिशन लेना पड़ता है वीडियो शूट के लिए। फिर भी यार इतना पैसा खर्च करके लोग आते हैं दुबई में तो वीडियो तो बनती है ना। ये देखें कौन सी मच्छी, मुझे नहीं पता यार, ये उनको जूम करके दिखाता हूँ। शार्क दिख रहे सारे बड़े बड़े शार्क। वहाँ पे तो बहुत सारी मच्छी है, कौन सी मच्छी नहीं पता यार, ये देखो ये देखो। हम लोग को दिख नहीं रहा होगा मिरर के, मतलब कांच के उस तरफ ना, उस साइड से बहुत बड़े बड़े मच्छी दिख रहे हैं, लोग इस तरफ नहीं आ रहे। ओ भाई ये कौन सी मच्छी है, ये मच्छी कुछ और है यार। ये तो तिलापिया ऐसे दिख रहा है, और बड़ा तिलापिया। तो ये मच्छी कौन सी यार, इतने बड़े बड़े मच्छी। देखो लोग अंदर गए, देखो अब हम लोग को दिख रहा है अंदर लोग गए ना, उस खाना वाना डाल देने के शायद से, उसके लिए पैसे चाहिए, वो फ्री नहीं है। यहाँ से आप कितना भी देख लो, यहाँ से आप कुछ भी देख लो ना फ्री है, पर अंदर जाके देखने के लिए वो पैसे चाहिए। वहाँ पे जो दिख रहा है ना लोग कितने, दो जन खड़े देखिए, एक कपल खड़े है वहाँ पे, और वही वहाँ पे खाना देने के लिए जाने के लिए ना पैसा चाहिए। मज़ा तो आ गया भैया, अभी यहाँ से सीधा जाते हैं जो आप लोगों को इतने देर तक इंतज़ार करवाया मैंने, बुर्ज खलीफा। उससे पहले ना यहाँ पे ना कॉइन प्रिंट होता है आपके नाम पे शायद से, कुछ तो फंडा है यहाँ का पता नहीं, कॉइन प्रिंट मशीन है बोलते। ये देखिए कॉइन प्रिंट हो रहा है यहाँ पे, ये बच्चा पागल हो गया, उसको घुमाते जा रहे हैं आके मारेगा। ये यहाँ पे मगर है, मगरमच्छ,
फेक है यार असली मत समझना, ये फेक है पर बहुत बड़ा है, काफ़ी बड़ा है। देखो वहाँ से यहाँ तक देखो, ये बच्चे के बाजू में तो उसको पूछ के बराबर है बच्चा। अगर असली में होता तो यहाँ पे कोई नहीं आता था अभी तक पर यहाँ पे है नहीं मगर कोई। दुबई आइस रिंग, वहाँ पे कुछ तो लिखा हुआ था दुबई आइस रिंग, आई थिंक अंदर से जाके कुछ एक्टिविटीज़ भी रहेगा एक्वेरियम का अंदर। वहाँ पे एक छोटू सा ना किंगकॉन्ग रखा है, पर रेड कलर का क्यों पता नहीं मुझे। एप्पल का ना सबसे बड़ा स्टोर ना इस जो मेरे पीछे है ना वही है, कभी भी आके यहाँ से सब कुछ सही करवा सकते हैं। यहाँ से नीचे उतर के आपको बुर्ज खलीफा मिल जाएगा, यहाँ से निकलते बुर्ज खलीफा आएगा सीधा, वो आगे है टाइम आउट मार्केट। ठीक है, इसके साथ साथ होता है दुबई मॉल का जो एक्सपीरियंस ख़त्म। मिलते हैं अगले ब्लॉग में जहाँ पर रहेगा कि आपको बुर्ज खलीफा के बारे में सारे दिखेगा। पता नहीं कौन सा ब्लॉग आगे डालूंगा, पर बुर्ज खलीफा आगे भी डाल सकता हूँ बाद में भी डाल सकता हूँ। अभी फिलहाल मेरा गला हो रहा है ख़राब, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।